सर्वेषां भक्तां नमो नमः। आज मेरे व्याख्यान का विषय कारण के गुणात्मक लक्षण अथवा कारण कार्य की एक नियत अनुपाधिक एवं तात्कालिक पूर्ववर्ती है, इसकी व्याख्या करना है। कारण की परिभाषाओं में से नील एवं कार्यवितरण की परिभाषाएं उल्लेखनीय हैं। नील के अनुसार किसी घटना का कारण उस घटना का सदैव पूर्ववर्ती होना है अथवा उसकी पूर्ववर्ती घटनाओं से संबंधित रहना है, जिस पर वह घटना नियमित और अनुपाधिक रूप से फल के रूप में आधारित है। कार्वेथरीड ने भी कारण की परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी घटना का कारण गुण की दृष्टि से फल का आसन्न अनुपाधिक नियत पूर्ववर्ती है और परिणाम की दृष्टि से फल के बराबर है। कारण की परिभाषाओं का विश्लेषण करने के कारण गुणात्मक लक्षण इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम 6 पॉइंट में देख सकते हैं। पहला पॉइंट, कारण एक सापेक्ष घटना है। द कॉज इज ए रिलेटिव इवेंट। किसी भी घटना को निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई घटना सदा के लिए कारण नहीं है। एक घटना कभी कारण तो कभी कार्य हो सकता है, एक घटना कभी कारण तो कभी कार्य हो सकता है। जैसे एक ही आदमी कभी बाप तो कभी बेटा बन जाता है। जिस प्रकार पिता और पुत्र सापेक्ष पद हैं, निरपेक्ष नहीं, उसी प्रकार कार्य और कारण भी सापेक्ष पद हैं, निरपेक्ष नहीं। संसार में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी घटनाएं होती रहती हैं। इस घटना के प्रवाह में किसी को हमेशा के लिए कारण नहीं कहा जा सकता है। जैसे रोने का कारण दर्द होना है, रोना तथा दर्द होने में दर्द होना कारण है, रोना कार्य है। परंतु चोट लगने के कारण दर्द पैदा होता है, अतः चोट और दर्द के संदर्भ में चोट लगना कारण और दर्द होना कार्य है। इसी प्रकार एक घटना किसी संबंध में कारण है तो दूसरी घटना के संबंध में कार्य, अतः कारण और कार्य सापेक्ष घटना है, निरपेक्ष नहीं। दूसरा पॉइंट, किसी घटना का कारण घटना ही है। द कॉज ऑफ एन इवेंट इज सम इवेंट। घटना उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन हो रहा है। जो अपरिवर्तनशील है उसे घटना नहीं कहना चाहिए। हैजे का कारण पानी का गंदा होना, कीटाणुओं का उत्पन्न होना आदि है। इसके कहने का अर्थ है कि संसार की घटनाओं का कारण सांसारिक घटनाएं ही हैं, क्योंकि वे परिवर्तनशील हैं। इसीलिए मृत का कारण हैजा, प्लेग, विष, चेचक आदि सांसारिक घटनाएं ही हैं, भगवान या देवता नहीं। तीसरा पॉइंट, कारण पूर्ववर्ती घटना को कहते हैं। द कॉज इज एन एंटीसीडेंट इवेंट। कारण सदैव कार्य का पूर्ववर्ती होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समय की दृष्टि से कारण का स्थान पहले आता है, कार्य का स्थान बाद में। अमुक घटना के पूर्व होने वाली घटना ही अमुक घटना का कारण है, इसलिए कारण को पूर्ववर्ती और कार्य को अनुवर्ती कहा जाता है। पानी पीने पर प्यास बुझती है, यहाँ पानी पीना प्यास बुझने का कारण है, क्योंकि यह समय की दृष्टि से पहले आता है। यहाँ एक आपत्ति उठाई जा सकती है कि कारण कार्य से पहले नहीं आता,
बल्कि कारण और कार्य दोनों सहवर्ती कार्य हैं। कार्य कारण में अंतर्निहित रहता है, जैसे वृक्ष में बीज अंतर्निहित रहता है। इस तर्क पर जोरदार ढंग से कार्विथ रीड ने प्रहार करते हुए कहा है कि कारण से यह सूचित होता है कि कार्य भविष्य में होने वाली घटना है और कार्य भी इस बात का सूचक है कि कारण पहले आने वाला है। अतः कारण को कार्य का सहवर्ती न कहकर पूर्ववर्ती कहना उपयुक्त जान पड़ता है। इस संबंध में मेलोन महोदय का विचार भी उल्लेखनीय है। उनके अनुसार कारण और कार्य के बीच कोई निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती। कारण और कार्य एक दूसरे से इस प्रकार पृथक नहीं है कि हम यह कह सकें कि यहाँ पर कारण समाप्त हुआ, यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ। यह सत्य है कि कारण कार्य से पहले आता है, किंतु कोई रेखा खींचकर या कार्य की को पृथक कर नहीं दिखाया जा सकता है। अधिक से अधिक कारण और कार्य के बीच गणितीय रेखा मैथमेटिकल लाइन खींची जा सकती है। इस मानसिक रेखा के एक छोर पर कारण और दूसरे छोर पर कार्य कहा जा सकता है। चौथा पॉइंट, कारण नियत पूर्ववर्ती घटना को कहते हैं। द कॉज इज एन इनवेरिएबल एंटीसीडेंट ऑफ इवेंट। कारण नियत पूर्ववर्ती घटना है, किसी घटना के पहले तो अनेक घटनाएं घटती हैं, किंतु ये सभी अमुक घटना के कारण नहीं कही जा सकती है। उदाहरण के लिए, वर्षा होने के पहले कई घटनाएं घट सकती हैं, जैसे लड़कों का शोरगुल, अखाड़े में पहलवानों का कुश्ती लड़ना, आकाश में काली घटा का उमड़ना घुमड़ना आदि। इन सभी घटनाओं में वर्षा का कारण सभी को नहीं कहा जा सकता। वर्षा का कारण तो केवल काली घटा का उमड़ना घुमड़ना है। केवल नियत पूर्ववर्ती घटना ही कारण कहलाने के योग्य है। अनियत पूर्ववर्ती को कारण का कारण नहीं कहा जा सकता है। बिना विचारे किसी पूर्ववर्ती को किसी घटना का कारण मान लेने पर एक तार्किक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे निरंतर तत्प्रकारणक दोष कहा जाता है। उपयुक्त दोष से बचने के लिए ह्यूम का कहना है कि केवल नियत पूर्ववर्ती घटना ही किसी घटना का कारण हो सकती है। नियत पूर्ववर्ती उसे कहते हैं जो नियत रूप से सदैव कार्य से पहले आए। उदाहरण स्वरूप, एनोफिलीज मच्छर काटना मलेरिया बुखार के पहले नियमित रूप से बिना किसी अपवाद के होता है। अतः मलेरिया बुखार का कारण एनोफिलीज मच्छर का काटना है, क्योंकि यह नियत पूर्ववर्ती घटना है। पांचवा, अनौपाधिक नियत पूर्ववर्ती घटना को कारण कहते हैं। द कॉज ऑफ इज द इवेंट ऑफ अनकंडीशनल इनवेरिएबल एंटीसीडेंट। हम यदि सिर्फ नियत और पूर्ववर्ती घटना को कारण मान लें तो हमारे सामने एक कठिनाई उत्पन्न होता है कि किसी एक ही घटना से उत्पन्न दो घटनाएं आपस में कार्य कारण से दिखने लगेंगी। सहपरिणाम का दोष प्रतीत होने लगेगा, जैसे दिन का कारण रात और रात का कारण दिन जान पड़ता है, क्योंकि दिन के पहले नियत रूप से रात होती है और रात के पहले दिन आता है। इस कारण रात के संबंध में दिन नियत पूर्ववर्ती घटना है और दिन और रात दोनों सूर्य और पृथ्वी की गति से उत्पन्न सहपरिणाम हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी की गति रुक जाए तो इस प्रकार दिन और रात का परिवर्तन भी बंद हो जाएगा। इसी के कारण मिल साहब कहते हैं कि ऐसी ही नियत पूर्ववर्ती घटना को कारण मानना चाहिए जो किसी शर्त पर निर्भर नहीं होकर अनौपाधिक हो। छठा पॉइंट,
कारण निकटतम पूर्ववर्ती घटना है। द कॉज इज एन इमीडिएट एंटीसीडेंट इवेंट, कारण को अनौपाधिक होने का अर्थ है इसे तात्कालिक होना चाहिए। अनौपाधिक कारण शीघ्र ही कार्य उत्पन्न कर देता है। कार्य उत्पत्ति में विलंब की बात तब उठती है जब कारण को किसी अन्य शर्त पर निर्भर करना पड़ता है, किंतु जब कारण स्वतंत्र है तो उसके द्वारा कार्य उत्पत्ति में विलंब होने का कोई आधार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कारण तात्कालिक होता है, अर्थात कार्य की तुरंत पहले होता है। जैसे आग में हाथ पड़ते ही जलन पैदा होने लगती है, पानी पीते ही प्यास बुझ जाती है। यदि कोई घटना किसी कार्य की उत्पत्ति में देर करे तो समझना चाहिए कि वह पूर्ववर्ती घटना संपूर्ण कारण नहीं बल्कि कारण का एक अंश है। जैसे किसान खेत जोतता है, बिया बोता है, पटाता है, तब दो चार दिनों के बाद पौधा उगता है। यहाँ पौधा उगने का कारण खेत जोतना, पटाना, बिया बोना तथा और भी आवश्यक बातें हैं। जो ही वे सभी स्थितियाँ उपस्थित होती हैं त्यों ही पौधा उग जाता है, उसमें एक क्षण भी देरी नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि कारण सभी स्थितियों की समग्रता को कहते हैं। अतः कारण कार्य का निकट पूर्ववर्ती घटना है। अतः कारण अपने कार्य की अनौपाधिक नियत निकटतम पूर्ववर्ती घटना है। धन्यवाद।